नमस्कार, मैं नीतू सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़े खबरों पर। शौचालय की राशि के लिए लाभुक लगा रहे हैं चक्कर। जी हां, औरंगाबाद के प्रखंड कार्यालय देव में शौचालय की राशि ना मिलने को लेकर विभिन्न पंचायतों से जीविका समूह के महिलाओं ने देव वीडियो अमरेश कुमार मिश्रा से मिलने और प्रखंड कार्यालय देव पहुँचे। मिलकर महिलाओं ने बताया कि हम लोग सभी लाभुक एक साल से शौचालय का निर्माण कर चुके हैं, जो जीविका समूह से कर्ज लेकर, परंतु आज तक योजना का राशि नहीं मिला। प्रखंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी लाभुकों का आवेदन लिया गया है। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। आप लोग ब्लॉक में किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं कि शौचालय बनाए हैं, तो शौचालय का पैसा खातिर हम लोग बहुत एक साल से मतलब दौड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है पैसा। अब इसी चलते ब्लॉक में आ रहे हैं बार बार। अब क्या करते हैं उससे आगे, अभी सब हाथ में है। वीडियो साहब के बहुत दिन के बाद आज मिले हैं, तो आज बातचीत हुआ है तो बोले कि मतलब आगे क्या बोले वीडियो साहब? वीडियो साहब बोले कि क्या दिक्कत है से इन लोग के समस्या के हल कीजिए, जियो टैग करवाना है, ये सब करवाना है तो मतलब करवाइए, अभी सब तो पैसा पेमेंट कीजिए। क्या नाम हुआ आपको? पार्वती देवी। कहाँ से आप लोग आए हैं सब? हम लोग आए हैं राजापुरा से, पंचायत बस्ती है। सब समूह का है जी? कौन समूह के महिला हैं? जीवन समूह के सदस्य हैं। जीवन समूह का सदस्य हैं, ठीक। अगर मान लेंगे पैसा फिर नहीं मिला इतना करने के बाद, तो आगे क्या करिएगा आप लोग? आगे फिर कार्रवाई करेंगे कुछ। हम लोग तो समूह से पैसा लेकर बनाए हैं, तो ब्याज देना है, तो आगे कार्रवाई करेंगे ना। एक साल हो गया है आज करवाया गया है नोडलों से, उसमें बहुत सारे शौचालय में पुराना अभियान से पूर्व का सेल्फ एंट्री ओल्ड है। बहुत सारे ऐसे आवेदन भी जीविका के माध्यम से प्राप्त हुए हैं जिनका शौचालय नहीं भी बना है, उसका रिकमेंडेशन है। तो उस परिस्थिति में अभी देखना होगा कि इनका किस कहां पर टंगा हुआ है। अभी हमने आदेशित किया है कि सूची देख करके उसको क्लियर कर देंगे कि किस स्थान पर है, उनको भी खबर कर देंगे। मानस सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा। जी हां, जौनपुर के जलालपुर के पराऊगंज बाजार में श्री मानस सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा में अपने अमृतमय कथा की बरसात करते हुए श्री प्रकाश चंद्र जी ने भगवान की विविध अवतारों के प्रकट होने कारण विस्तृत रूप से चर्चा किया। जौनपुर से हमारे संवाददाता विनय गुप्ता की रिपोर्ट। बैठे हुए हमारे कुछ संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदार दिखाई पड़ रहे हैं। आइए मिलते हैं सर, का परिचय। हम राम जी हॉस्पिटल ग्राम ब्राइन से हैं। अच्छा सर, तो आज यहाँ पे जो रविवार है, तो हर रविवार सत्संग होता है कि आज ही हो रहा है? नहीं, हर रविवार को सत्संग होता है इसी समय 12 से 3 टाइम। अच्छा, कब से हो रहा है सर ये स्थापना? कब से है यहाँ पे? कब से स्थापना है? इसका स्थापना 1970 से। स्थापना 1977 से। बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर? अच्छा, आप यहाँ सर किस पद पे हैं? हम शाखा प्रबंधक हैं। अच्छा, प्रबंधक जी बताइए कि ये कौन सी संस्था है? संत निरंकारी मंडल। अच्छा, ये 1900 से शुरू हुआ जी। नया कोई मशीन नहीं है, फिर उसके बाद बूटा नीच का बूटा लगाया जी। अवतार सिंह जी, बाबा हरदेव जी, उनका जितना समय था उन्हें समय काल तक लिए उन्होंने अपनी सेवा को निभाया। उसी समय माता सुदीक्षा जो उस समय ये सारा मिशन आज हमारा चल रहा है। हमारा वार्षिक 72वां वार्षिक समागम समालखा में होने जा रहा है। कहाँ पे? समालखा में होने जा रहा है। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और कितनी तारीख को है महोदय? ये 16, 17, 18 नवंबर को
ये समागम है और 19 तारीख को गुरु वंदना। अच्छा, ये समागम हरियाणा समलखा में होने जा रहा है, इसका समय 16, 17, 18 समागम है। 19 तारीख को गुरु वंदना है और यहाँ का कार्यक्रम रविवार को होता है। संदेश क्या है, मूल मूल रूप से निरंकारी मिशन चाहता क्या है? निरंकारी मिशन का ये उद्देश्य है, संदेश है, उस परमात्मा की याचना बनना प्रार्थना हम करते हैं। उस परमात्मा को सबसे पहले हम पहचाने क्योंकि जाने भिन्न हो प्रकृति के बाड़े लकड़ी के, अगर किसी से पहचान नहीं है तो बिना जाने पर ही वंदना करना नहीं होता। इसलिए अगर हमारी परिचय है इस बात वंदना प्रार्थना कर सकते हैं, दुख में सुख में यही इनका विशेष है और यही ज्ञान है कि परमात्मा हुआ हुआ है और इस परमात्मा को आज गुरु की कृपा से लोग जानते हैं। परमात्मा देखा जा सकता है, परमात्मा देखा जा सकता है, परमात्मा जाना जा सकता है। धन्यवाद साहब, तो आपके मिशन में गुरुदेव परमात्मा को बोध कराए हैं? हाँ जी 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 जी, परमात्मा का बोध कराने वाला ये समय का सदगुरु है, इनके द्वारा मिला परमात्मा से बोध हुआ। धन्यवाद। देखिए अभी यहाँ पे मुखी जी हैं, ये प्रबंधक, और आप जो कैशियर साहब उन्हें बताया कि यहाँ पे 1977 चल रहा है और परमात्मा को यहाँ जाना है। मैं विनय गुप्ता, अकेला फास्ट न्यूज इंडिया, कैमरा मैन के साथ, नमस्कार। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं विजेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मौजमपुर सुजान, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज एवं गंगा स्नान की हार्दिक बधाई। मैं ग्राम प्रधान चित्तर वाला थाना मंडावर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, ग्रामवासियों को, सभी को, क्षेत्रवासियों को दिवाली, गोवर्धन, गंगा स्नान की शुभकामनाएं। श्रीमती रोशनी देवी, न्याय पंचायत महेश्वरी, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, पुत्र बोबी, मैं आप सभी को दीपावली, गंगा स्नान और गोवर्धन की शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। तालाब को मछली पालन करने के लिए मिली, जिसे ठेके पर दिया। जी हां, बिजनौर के थाना क्षेत्र के मंडावली के गांव राजपुर नवादा के पास एक तालाब है, जिस तालाब को मछली पालन करने के लिए रमेश सिंह कश्यप को दिया गया था। रमेश कश्यप ने उस तालाब को बिरजू कश्यप को ठेके पर दे दिया, जिसमें बिरजू ने सिंघाड़े डाल रखे हैं। बिरजू तालाब में दवाई डालता है, जिसे ग्रामीणों के पशुओं को नुकसान होता है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि इनसे सिंघाड़ा डाला जाए और इसमें मछली पालन ही कराया जाए। बिजनौर से हमारे संवाददाता कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। लो चलो एक बार और बताओ ना। हाँ, पहले अपना नाम बताएंगे। हाँ, करण सिंह मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुर नवादा। तो क्या समस्या है आपको बताएं? ये साहब, ये तालाब ये था मछली पालन के लिए था, मछली पालन तो नहीं हो रहा, इसमें सिंघाड़ा पड़ा आया है, सिंघाड़े में दवाई जहरीली डाल दी, हमारे गांव वाले के पशु जो बीमार होते हैं, पशुओं को नुकसान हो रहा है, पशुओं को बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे गाय भैंस जो आते जाते रास्ते पे तालाब आ रहे हैं। कौन है सिंघाड़े डालने वाले? सिंघाड़े डालने वाला लालपुर के। यो तो किसके लिए अलर्ट हुआ था? मछलियों के लिए? मछली के लिए अलर्ट हुआ था, सिंघाड़ा रमेश है हरेवली वाला। अच्छा, रमेश चंद के लिए हुआ था। हाँ, फिर ये अब सिंघाड़ा किसने डाला है इसमें? सिंघाड़ा डाला है बिरजू ने, अवैध रूप से डाला हुआ है। अवैध रूप से डाला हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फास्ट न्यूज इंडिया चैनल में। और बताएगा कोई? बताओ बताओ बताओ। ये दवाई का खड़े हो जाओ, खड़े हो। हाँ बोलो, बताए क्या? अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम ऋषि है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुर नवादे के। कितने बीघे का जोड़ा है ये आपका? करीबन 10 बीघे का जोड़ा है। तो ये किसे अलर्ट हुआ था? ये वहाँ के हरेवली वाले रमेश काहे के लिए? मछली पालन के। मछली पालन के लिए। अब क्या है इसमें? अब इसमें सिंघाड़ा डाल रखा है। तो आप क्या दिक्कत है आपको बताएं? दिक्कत ये है कि हमारे रास्ते में आ रहा है ये पशुपालन, अगर पानी पीते हैं तो उन्हें नुकसान हो रहा है, दवाई पड़ी हुई है, दवाई डाल रखी है इसमें, पशुओं को नुकसान होगा, बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फास्ट न्यूज चैनल में।
हाथ में उठा के इसे बताओ, ठीक है, इसे पन्नी को सामने करके कि साहब ये दवाई डालिए इन्होंने, जल्दी आ जाइए। नहीं, इस चीज़ की दवाई है, इस चीज़ की हाथ में लेकर दिखाओ। ये क्या है साहब? ये जहरीली दवाई है साहब, जहरीली दवाई जो इसमें डाल रखी है, इसमें डाल रखी है, ये पशुओं नुकसान देती है। ठीक। डीएम के छापे से एआरटीओ में मचा हड़कंप। जी हां, फतेहपुर में जिलाधिकारी संजीव कुमार ने एआरटीओ ऑफिस में छापा मारकर लगभग 7 दलालों को पकड़ा। वहीं कार्यालय के पास बनी कुछ दुकान से फाइलें बरामद की गईं, जिसका परीक्षण के बाद एआरटीओ कार्यालय को सौंप दी जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बताया कि सीसीटीवी देखने के बाद विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को मिली भगत अगर दलालों से पाई जाएगी तो निश्चित उनको कार्रवाई की जाएगी, परिधि लाया जाएगा। पकड़े गए दलालों को डीएम ने कोतवाली पुलिस के हवाले किया, जिस पर कड़ी कार्रवाई के संकेत जिलाधिकारी ने दिया। फतेहपुर से हमारे संवाददाता राम साहू की रिपोर्ट। जनसामान्य की पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, और उन्होंने आई टी ऑफिस से वहाँ पर लाइसेंस बनाने के नाम पर या बिजनेस के नाम पर बनानी हुई आती है और अवैध तरीके से लोगों से संबंध उसमें कुछ दलाल सक्रिय हुए हैं, और ये बहुत सूचना के आधार पर पहले इनका एक्शन किया गया कौन से किसी दलाल और कुछ एक वीडियो फुटेज भी प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर जो है कार्रवाई की गई है। उसमें 6 दलाल हैं जो नियमित रूप से यहाँ दलाली करते हैं, उनको उनको पकड़ा गया है, और 2 दुकानदार हैं पकड़ा गया, एक अज्ञात है उनके यहाँ से जो दूसरा पैसा अवैध रूप से पब्लिक से लिया जाता था उसके डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए और सभी के खिलाफ मुकदमा कार्रवाई। सर, दलालों पर कार्रवाई तो हो जाएगी, लेकिन अधिकारी उसमें पूरी तरीके से सम्मिलित रहते हैं, बिना पैसे के काम नहीं करते, बाकायदे कोड वर्ड उनकी फाइलों में कोड वर्ड डाल करके जो अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई करते हैं उन पर क्या कार्रवाई? मगर उनके कोड वर्ड के बारे में अभी जांच की जाएगी, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने अपने लिए हुए हैं और उसमें भी अगर ऐसा जो जो सिस्टम है तो लोगों के बयान वगैरह भी आएंगे, तो अगर उसमें ये तक सही नहीं आता तो ये कार्रवाई सर। दलाल वगैरह अधिकारी सक्रिय तौर पर ही नहीं सकते हैं, दलाल जो है अधिकारी से मिलकर कर सकते हैं, खुद तो कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक नेक्सस है, जिससे कि जो आम जनता है उसको एक सुगम प्रक्रिया होना चाहिए, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है और सरकार की मंशा है कि जो लाइसेंस प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो, आप कोई भी व्यक्ति आए और अपना नियत रेट पर अपना लाइसेंस लेकर जाए, ये निर्धारित किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया जाता है जिसकी वजह से वो अपना कार्यालय तक सुलभ नहीं हो पाता है, और निश्चित रूप से उसमें अगर कार्यालय की कर्मचारियों वगैरह की भागीदारी पाई जाती है तो इसके लिए भी दिखाई जाता है। थैंक यू। कितनी फाइलें पाई गई रिपोर्ट बोलिए? जो दुकानें हैं उनमें तो बहुत सारी फाइलें ऐसी बरामद हुई हैं, काफ़ी संख्या में है, और ऑफिस में कुछ एक सर और महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक एक लिपिक अगर कोई लाइसेंस का है या फिटनेस का है उसके अंडर में दो दो तीन तीन लोग काम करते हैं, उनकी स्थिति ये है कि दो दो तीन तीन लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो लोग काम करते हैं जिनको जो अथॉराइज्ड नहीं है ऐसे ही रखे हुए हैं कि तुम हमारा काम देखो। जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी हमने लिया हुआ है, और इसके अतिरिक्त जो ये 6 दलाल हैं पकड़े गए के संबंध में भी यही शिकायत थी कि वो एक ऊपर के स्तर पर जो है नेक्सस बनाए हुए थे, और इस वजह से जो पब्लिक है वो बिना दलाली के कोई अपना लाइसेंस है कोई काम नहीं कर पाते थे, इसकी छानबीन पुलिस द्वारा की जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। थैंक खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।